नमस्कार। और मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी? चलिए हम सब मिलके ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे वचन। नहीं, पहले हम वचन की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसके भेदों के बारे में जानेंगे। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम सबसे पहले एक वचन करेंगे। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि वो वस्तु एक होती है, अकेली होती है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे हाथी, कमल, तोता, मोर, पुस्तक आदि। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मछलियाँ, लड़के, नदियाँ, बंदूकें आदि। अब हम इस बहुवचन को कुछ चित्रों के माध्यम से आगे पढ़ेंगे। अब आप इस चित्र को देखिए, एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। यानी एक वचन में एक किताब है, बहुवचन में बहुत सारी किताबें हैं। यानी कि एक वचन का किताब का बहुवचन क्या होगा? किताबें, किताब, किताबें। बच्चा, बच्चे। रोटी, रोटियाँ। पतंग, पतंगे। बल्ला, बल्ले। घड़ी, घड़ियाँ। गेंद, गेंदे। ऐसे ही एक वचन है छाता, बहुवचन है छाते। कलम, कलमे। थैला, थैले। एक वचन है मेज और बहुवचन है मेजे।